आप सभी को फिर से लेकर मेरे चैनल में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी चाहते हो आपका एक व्हाट्सएप नंबर दो सेलफोन में चलाना, तो एक व्हाट्सएप नंबर आप दो सेलफोन में किस तरह चला सकते हो, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर एक सेटिंग बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक वॉच करना, वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे रेड बटन पे क्लिक कर चलो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, इस तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले एक नंबर को दो सेलफोन में किस तरह चलाना है, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है और ये भी ट्रिक है जो आप कर सकते हो। इसी तरीके से आप एक नंबर को दो सेलफोन में चला सकते हो। आपको किस तरह चलाना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो वॉच करना, पूरा वॉच करना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो लाइक कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना। अगर कुछ कंसर्न फेस कर रहे हो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं किस तरह एक नंबर दो सेलफोन में चलाते हैं। तो आप किस तरीके से एक नंबर को दो सेलफोन में चला सकते हैं, आप देख सकते हो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ ओपन है। आपको अपने व्हाट्सएप में आ जाना, अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन कर लेना है एप्लीकेशन में और आपको इस तरह इंटरफेस दिखेगा। आपको राइट हैंड साइड थ्री डॉट पे क्लिक करना है टॉप पर, आपको वहाँ एक ऑप्शन दिखेगा लिंक डिवाइस पे। जैसे आप लिंक डिवाइस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ दिखाएगा लिंक के डिवाइस। लिंक के डिवाइस पे क्लिक करने से पहले आपको नीचे शो करेगा मल्टी डिवाइस बेटा। मल्टी डिवाइस बेटा एक्टिवेट करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आप दूसरा सेलफोन अगर आप ऑफलाइन भी जाते हो तो इसमें आपका हमेशा ऑनलाइन बना रहेगा। कोई आपके नंबर को स्विच ऑफ करे, सिम कार्ड बंद करे, डिस्कनेक्ट करे, इंटरनेट बंद करे, बट आपके सेलफोन में ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपको ज्वाइंट बेटा ऑन करना है, जो नंबर में आपको दूसरा सेलफोन दूसरा व्हाट्सएप यूज़ करना, आपको आ जाना है बैक। तो अभी आपको बैक आने के बाद आपको क्लिक करना लिंक के डिवाइस पे। लिंक के डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको यूज मोबाइल डेटा पे क्लिक करना और आपको इस तरह का बारकोड दिखेगा। अभी बारकोड स्कैन कहाँ करना है तो दूसरा आप कर दे सकते हो कनेक्ट। तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ दूसरे सेलफोन में। दूसरे सेलफोन में आने के बाद आपको आ जाना अपने सेलफोन के होम स्क्रीन पे और आपको चले जाना ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको जरा सर्च कर लेना है व्हाट्सएप वेव। whatsapp.com पे आने के बाद आपको यहाँ टॉप पे दिखेगा व्हाट्सएप वेव। आपको व्हाट्सएप वेव चालू करने से पहले अपने सेलफोन को डेस्कटॉप मोड पे कन्वर्ट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। तो मैं डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लिया। अभी जो मेरा बारकोड था मुझे यहाँ स्कैन करना होगा, तो अभी मैं यहाँ अपना बारकोड को स्कैन कर लेता हूँ। जैसे मैं स्कैन किया आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ न्यू पेज ओपन होने वाला है। तो मैं इसको वापस स्कैन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ देख रहे लॉग इन हो रहा है और इधर टाइम लेगा चालू होने के लिए। आपको वेट करना होगा 2-5 मिनट और ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, जितने भी मैसेजेस होंगे आपके सब सेलफोन में आ जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरा व्हाट्सएप यहाँ चालू हो चुका है। इस तरीके से आप एक नंबर को दो सेलफोन में यूज़ कर सकते हो। अब ये कंटिन्यू में अगर मैं लॉग आउट पे हो जाऊँ, बंद भी हो जाऊँ, कुछ भी करूँ, मैं मेरे सेलफोन में चालू ही रहेगा। इस तरीके से आप एक व्हाट्सएप नंबर को दो सेलफोन में यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने का सबसे पहले।